तो प्रेमचंद का पूरा नाम धनपत राय था, धनपत राय, इसके ऊपर आपको राइट आंसर लगा के आना है। और आगे बात करें तो आगे चीज़ें दे रखी है, आप यहाँ पर समझ सकते हो उपभोक्ता सामंती जुड़ा है। उपभोक्ता सामंती किससे जुड़ा है? उपभोक्त से जुड़ा है, आपके ऊपर ये चिन्ह लगा के आना आपको। और उसके नीचे अगला प्रश्न है कि वृंदावन क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वृंदावन कृष्ण के कारण प्रसिद्ध है, आप सबको इसके ऊपर राइट का आंसर लगा के आना है। और उसी के नीचे देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो गया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 9वीं हिंदी विषय का प्रश्न पत्र। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इसी तरह के वीडियो बराबर पाने के लिए। वीडियो को आखिरी समय तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न पत्र बताने के साथ साथ पूरा हल करके भी बताऊंगा, जिससे कि आप सबको कहीं और ज़्यादा भटकने की आवश्यकता न पड़े। इसलिए प्लीज़ वीडियो को आखिरी समय तक जरूर देखिएगा, पूरा हल सहित मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। पर शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट हो रही है कि प्लीज़ यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप सबको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो इसी प्रकार से मिलते रहें। तो दोस्तों चलिए फटाफट शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021 कक्षा 9वीं हिंदी विषय का किस प्रकार का आने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पर आपको सत्य असत्य देखने को मिलेंगे, तो आप सभी लोगों को सत्य असत्य देख लेने हैं। तो चलिए फटाफट इसको हल करते हैं और देखते हैं कौन से सत्य है और कौन से असत्य है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक प्रश्न जो दे रखा है वो ये है, आप देख सकते हो। चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं और हल करते हैं। तो आप देख सकते हो प्रेमचंद के फटे जूते थे, फटे जूते थे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये वाला आपका सत्य है। उसी के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी थी, ये भी आपका राइट है, आप इसके ऊपर राइट का चिन्ह लगा लें। और उसी के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं, जो कि दोस्तों तीसरा असत्य है, आप सबको इसके ऊपर ऐसे कट लगा देना है। आगे देखो तो उमा एक सुशील लड़का है, ये ही असत्य है, जबकि उमा एक लड़की है। परसाई एक व्यंग्यकार है, तो ये राइट आंसर है दोस्तों। तो आप सभी के ये सत्य असत्य हो चुके हैं, आप सभी लोग इनको देख लीजिएगा। तो आप सभी लोग इन चीज़ों को देख लेना। और उसी के नीचे बात करें तो यहाँ से आपको सही विकल्प देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब फटाफट हम सही विकल्पों को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है प्रेमचंद का पूरा नाम था, तो दोस्तों प्रेमचंद का पूरा नाम धनपत राय था, धनपत राय, इसके ऊपर आपको राइट आंसर लगा के आना है। और आगे बात करें तो आगे ये चीज़ें दे रखी है, आप यहाँ पर समझ सकते हो उपभोक्ता सामंती जुड़ा है। उपभोक्ता सामंती किससे जुड़ा है? उपभोक्त से जुड़ा है, आपके ऊपर ये चिन्ह लगा के आना आपको। और उसके नीचे अगला प्रश्न है कि वृंदावन क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वृंदावन कृष्ण के कारण प्रसिद्ध है, आप सबको इसके ऊपर राइट का आंसर लगा के आना है। और उसी के नीचे देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो नाना साहब की पुत्री का नाम था, तो नाना साहब की पुत्री का नाम मीना था, आपको इसके ऊपर चिन्ह लगा लेना है। और उसी के नीचे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर यह दिया गया है उपन्यास सम्राट है, उपन्यास सम्राट कौन है दोस्तों? तो उपन्यास सम्राट दोस्तों प्रेमचंद है, आपको इसके ऊपर चिन्ह लगा लेना है, प्रेमचंद उपन्यास सम्राट है दोस्तों। और उसी के अगर आगे देखें तो कुछ प्रश्न ये है दोस्तों, आप सभी को इनके ऊपर भी चिन्ह लगा लेना है। तो चलिए जोड़ी मिलान कर लेते हैं हम, ये जोड़ी मिलान है आप देख सकते हो, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है सही जोड़ी मिलाइए। तो दोस्तों इसमें से आपको सही जोड़ी मिलाकर देखनी है। तो सही जोड़ी की अगर बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हो प्रेमचंद, प्रेमचंद की जो रचना है वो मानसरोवर है दोस्तों, आपकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। ल्हासा से ल्हासा की ओर, ये राहुल संस्कृतयान की रचना है। कबीर की जो रचना है वो बीजक है दोस्तों, इसकी इससे मिल जाएगी। रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है दोस्तों, इसकी इससे जोड़ी मिल जाएगी। और शंकर कैसा लड़का था, शंकर चरित्रहीन लड़का है, इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। तो इस प्रकार पूरी जोड़ी भी हो चुकी है दोस्तों। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखें तो यहाँ पर आपको दोस्तों रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी, आप सभी लोगों को ये रिक्त स्थान पूर्ति समझ लेनी है। कबीरदास की मृत्यु हुई थी, कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी, आपके ऊपर ये चिन्ह लगा, इसमें ये चिन्ह लगेगा। और उसी के आगे अगर बात करें तो कश्मीरी भाषा की कवित्री है, तो ये ललद्य है, इसके ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। थलथल में अलंकार है, थलथल में पुनरुक्ति अलंकार है, इसके ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। रीढ़ की हड्डी में पात्रा है, रीढ़ की हड्डी में पात्रा भोला है, ये सॉरी उमा है, इसके ऊपर आपको उमा के ऊपर इसमें चिन्ह लगा लेना है। इसमें यह आएगा, इसमें ये बताया था और इसमें ये। और उसी के नीचे अगर देखें मानसरोवर में मोती चुगते हैं, मानसरोवर में मोती कौन चुकते हैं? हंस चुकते हैं। तो ये सारे रिक्त स्थान पूर्ति भी आप सबके हो चुके हैं। तो चलिए रिक्त स्थान पूर्ति हमने देख ली है, अब आगे हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 5, जो कि ये यहाँ पर दिया गया है, आप सभी लोगों को इसको समझना है अच्छे से। क्या लिखा? कबीर ने, एक शब्द में उत्तर दीजिए, कबीर ने संसार को कहा है। तो दोस्तों कबीर ने संसार को स्वान कहा है, स्वान यानी कुत्ता कहा है, क्योंकि जिस प्रकार ज्ञानी लोग ज्ञान अर्जन करने के लिए जाते हैं तो उसको देखकर कुत्ते भोंकते हैं, यानी कि संसार के लोग उन्हें पागल समझते हैं, ऐसा कबीरदास जी ने इस रचना में बताया है। तो कबीर ने संसार को स्वान कहा है, रसखान ने किसकी भक्ति की है? तो रसखान ने दोस्तों कृष्ण की भक्ति की है, रसखान ने कृष्ण की भक्ति की है, इसके ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आगे देखें तो अगला प्रश्न है ग्रामश्री के लेखक कौन है? तो दोस्तों ग्रामश्री के लेखक
ग्राम श्री के लेखक सुमित्रानंदन पंत है, तो ग्राम श्री के लेखक सुमित्रानंदन पंत है, या आप लिख लेना सुमित्रानंदन पंत है, तो आप इसके चिन्ह लगा ले और इसको नोट भी कर ले, ग्राम श्री के लेखक सुमित्रानंदन पंत है, आप इसके ऊपर नोट कर लेना। और अगला देखें, मेला आंचल किसकी रचना है, तो मेला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है ये, तो आपको इसके ऊपर चिन्ह लगाना, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मेलाचंद, आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। और आगे देखें तो माटी वाली कहाँ रहती थी, तो माटी वाली झोपड़ी में रहती थी, शहर के एक कोस दूर एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में माटी वाली रहती थी, कहाँ पे रहती थी, झोपड़ी में, तो इसका आंसर झोपड़ी हो जाएगा दोस्तों, शहर से एक कोस दूर झोपड़ी में रहती थी, इतना आप इसमें पूरा लिख कर आ सकते हो। आगे देखें तो यहाँ पर ये कुछ, यहाँ से आपके बड़े वाले प्रश्न शुरू होते हैं, कांजी हाउस किसे कहते हैं, कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है, किस घटना से पता चलता है कि हीरा और मोती में दोस्ती थी, तो ये वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग इनको नोट कर लेंगे, इस प्रश्न पत्र में से आपके 100% प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों परीक्षा देने के बाद में जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न पत्र में से आपके कितने प्रश्न आए थे दोस्तों, 100% एक्यूरेट पेपर है आपका ये, इसी प्रकार का पेपर आपको अर्धवार्षिक परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप फटाफट ये जो प्रश्न है इन सभी के उत्तर आप ढूंढ लीजिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव ही इसमें इसलिए शामिल किए क्योंकि अगर मैं सारे प्रश्न बताने लग जाता है इसमें तो उसमें से फिर वीडियो की लंबाई ज़्यादा बड़ी हो जाती है और फिर पूरा वीडियो आप नहीं देख पाते, तो आप सभी लोग इन चीज़ों को नोट कर ले जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। आगे देखो तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण देना है और उसी के नीचे यमक अलंकार का भी एक उदाहरण देना है। आगे बात करें तो इसके अलावा कुछ प्रश्न ये दे रखे हैं, मान सरोवर में कितना जल भरा हुआ है, मुक्ता फल से क्या आशय, तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को नोट कर लेंगे जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके दोस्तों। इसके अलावा कुछ प्रश्न यहाँ पर भी दिए गए हैं, आप फटाफट इन प्रश्नों को नोट कर लें जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। ये वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है दोस्तों आप सबके लिए, तो आप फटाफट इन चीज़ों को नोट करेंगे। और उसी के क्रम में आगे देखें तो यहाँ पर भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप फटाफट इन प्रश्नों को नोट कर लेंगे, मान सरोवर से क्या तात्पर्य, अंग्रेजों ने कानपुर में हत्याकांड क्यों किया, तो आप फटाफट इन चीज़ों को नोट कर लेंगे। और उसी के नीचे देखें तो यहाँ पर गोपियाँ कृष्ण की मुरली की धुन क्यों नहीं सुनना चाहती थी, रसकांत किस नदी के किनारे रहना चाहते थे, तो आप फटाफट इन चीज़ों को नोट कर लेना जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके दोस्तों। और उसके अलावा कुछ प्रश्न ये दिए गए हैं, आप फटाफट इनको भी नोट कर लें और जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। आगे देखें तो ये कुछ प्रश्न और भी है, आप फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। आगे देखें तो ये कुछ प्रश्न हैं और उसी के आगे अगर देखें तो कुछ प्रश्न ये भी दे रखे हैं, और आगे बात करें तो इसके अलावा कुछ प्रश्न ये था थे, तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे और नोट कर लेंगे। इसी के साथ में मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु शुभकामनाएं देता हूं, और साथ में एक रिक्वेस्ट और है प्यारी सी, क्या आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ में इस वीडियो को करते हैं यहीं पर दी एंड, नमस्कार।